टिप नंबर वन, दाल बनाते समय अगर एक चम्मच देसी घी डाल दिया जाए तो ना केवल दाल का स्वाद बढ़ता है बल्कि दाल कुकर की सीटी से बाहर भी नहीं आती है, जिससे रसोई के साथ कुकर का ढक्कन भी गंदा नहीं होता है। टिप नंबर टू, कटे हुए आलू को लंबे समय तक रखने से वो काले हो जाते हैं, ऐसे में आप उन्हें ठंडे पानी में स्टोर करेंगे तो वह जल्दी खराब भी नहीं होंगे और काले भी नहीं पड़ते हैं। टिप नंबर थ्री, कटे हुए सेब को स्टोर करने के लिए आप शहद को पानी में मिलाकर सेब पर लगाएं, कटे हुए सेब पर लगाएं तो ये जल्दी काले नहीं होते हैं। टिप नंबर फोर, कभी भी अगर ब्रेड जल जाए तो चाकू की मदद से या दूसरी ब्रेड के से रगड़ने से ब्रेड का जला भाग निकल जाता है। टिप नंबर फाइव, चावल में अगर कभी भी पानी ज्यादा हो जाए तो एक ब्रेड को 5 मिनट के लिए रख दें। चावल का ज्यादा पानी ब्रेड सोख लेता है और चावल एकदम खिले खिले बनते हैं। टिप नंबर सिक्स, अक्सर ब्रेड के किनारे निकल आते हैं, ज्यादातर लोग फेंक देते हैं। ब्रेड के किनारे से आप हलवा, मिठाई या कोई स्नैक बना सकते हैं। टिप नंबर सेवन, ब्रेड को बनाने में आटा, नमक, थोड़ी सी चीनी, दही, पानी, ये चार सामग्री ही इस्तेमाल होती हैं। टिप नंबर एट, ब्रेड खाने का सही वक्त दोपहर है। दोपहर में ब्रेड खाने से आपको एनर्जी मिलेगी और लंबे समय तक पेट भरा रहता है। दोपहर में ब्रेड आसानी से डाइजेस्ट होता है और एसिडिटी की दिक्कत भी नहीं होती है। टिप नंबर नाइन, किसी भी सब्जी के लिए ग्रेवी तैयार करते समय जब प्याज भून रहे हो तो उसमें चुटकी भर चीनी भी डाल दें। इससे ग्रेवी का रंग बहुत ज्यादा निखरता है और स्वाद तो बढ़ता ही है। टिप नंबर टेन, सूजी का हलवा बनाने जा रहे हैं तो सूजी को भूनते वक्त उसमें जरा सा बेसन भी मिला दें। इससे हलवा अधिक स्वादिष्ट बनता है। टिप नंबर 11, अदरक लहसुन और मिर्च का पेस्ट बना रहे हो या फिर इसे कूट रहे हो, इसमें थोड़ा सा नमक डालकर पीसें। ऐसा करने से इस पेस्ट का स्वाद और महक बढ़ जाती है, साथ ही लहसुन और अदरक काफी बारीकी से पीसना आसान हो जाता है और आसानी से पिस जाती है। टिप नंबर 12, दही अगर खट्टी हो जाता है तो उसका सिंपल सा उपाय है, दही जमाते समय आधा चम्मच चीनी डाल दें। इससे दही में मिठास आएगी और खट्टा होने से बच जाएगा। टिप नंबर 13, मल्टीग्रेन सबसे अच्छी होती है, इस ब्रेड में भरपूर मात्रा में फाइबर होता है। टिप नंबर 14, ब्रेड को कभी भी फ्रिज में नहीं रखना चाहिए, हो सके तो इसे 1 से 2 दिन में ही खा लेना चाहिए। टिप नंबर 15, खासकर गर्मियों के मौसम में चीनी में चींटियां पड़ने की समस्या लगभग किचन की कहानी है। इस परेशानी से निजात पाने के लिए आप चीनी के डिब्बे में 2 से 4 लौंग डाल दें, जिससे चींटियां नहीं पड़ेंगी। टिप नंबर 16, अक्सर कई दिनों तक चावल लगने पर उसमें कीड़े पड़ जाते हैं, इसके लिए आप चावल के डिब्बे में नमक मिला लें, जिससे चावल में कीड़े नहीं पड़ते हैं। टिप नंबर 17, मेथी की कड़वाहट हटाने के लिए इसमें थोड़ा सा नमक डालकर थोड़ी देर के लिए रख दें। इस कुछ समय बाद इसमें से कड़वाहट चली जाती है और मेथी बिल्कुल कड़वी नहीं लगती है। टिप नंबर 18, बाजार में 3 तरह की ब्रेड मिलती है, मैदे से बनी, आटे से बनी और मल्टीग्रेन से बनी हुई। टिप नंबर 19, दलिया को अगर ज्यादा दिन तक ठीक रखना है तो उसमें कीड़े ना पड़े तो 1 चम्मच घी डालकर दलिया को अच्छे से भून लें, फिर स्टोर करें। टिप नंबर 20, घी अगर पकाते समय जल जाए और जलने की खुशबू आ जाए तो 1 कच्चा आलू डालकर चलाएं। टिप नंबर 21, किसी भी दाल को बनाते समय अगर दाल को 1 उबाल देकर दाल का झाग निकाल दिया जाए तो उसमें मौजूद केमिकल काफी हद तक निकल जाते हैं और दाल भी बहुत ज्यादा टेस्टी बनती है। टिप नंबर 22, दाल बनाने के बाद अगर दाल को हींग का तड़का दे दिया जाए तो दाल का स्वाद बढ़ जाता है। टिप नंबर 23, वेजिटेबल पराठा बनाते समय अगर थोड़ा सा चाट मसाला डाल दिया जाए तो पराठे का स्वाद बढ़ जाता है। टिप नंबर 24, दाल बनाते समय कभी कभी कुकर से पानी निकलने लगता है, कुकर की सीटी पर और रबड़ पर थोड़ा सा तेल लगाने से दाल का पानी बाहर नहीं आता है और आसानी से दाल बन जाती है।
टिप नंबर 25। अगर इडली का घोल पतला हो गया है तो घोल में चावल का आटा या फिर सूजी मिलाकर रख दें, इडली का घोल गाढ़ा हो जाता है। टिप नंबर 26। छोले उबालते समय नमक और कुछ लौंग इलायची खड़े मसाले डालकर पकाते हैं तो छोले और भी ज्यादा स्वादिष्ट बनते हैं और नमक से वे जल्दी पक जाते हैं। तोरई की सब्जी बनाते समय उसमें थोड़ा सा आमचूर पाउडर डाल दिया जाए तो तोरई की सब्जी बहुत ज्यादा स्वादिष्ट बनती है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये टिप्स पसंद आए होंगे। पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके बगल में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करना ना भूलें, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं आप उसको सबसे पहले देख सकें। तो दीजिए इजाजत, मिलते अगले वीडियो में। बाय बाय।